नमस्कार, मैं कुमारी नूतन नवशिजी प्राथमिक विद्यालय कटरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे सभी शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों एवं दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में अध्याय 19 कोशिश करके देखने का पार्ट 2 लेकर आई थी। आज मैं पार्ट 20 अध्याय 20 आओ खेले मिट्टी से ये अध्याय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग किताब निकाल ले बच्चों, मैं कहानी कुछ दी गई है, मैं उसे पढ़ती हूँ। कमला अपने भाई के साथ मिट्टी लाकर घरौंदा बना रही थी, तभी उसकी सहेली सलमा आ पहुंची। कमला अपने भाई के साथ मिट्टी लाकर घरौंदा, जो हम लोग दिवाली में बनाते हैं, जिसमें दिया जलाते हैं, गुड़ा गुड़िया खिलवाते हैं, नहीं उसमें कुड़िया भरते हैं, वो घरौंदा बना रही थी। तभी उसकी सहेली सलमा आ पहुंची। सलमा, क्या बना रही हो कमला? कमला, घरौंदा बना रही हूँ। सलमा, मुझे घरौंदा बनाना सिखाओ ना। सलमा कमला से पूछती है, तुम क्या बना रही हो? कमला बोली, मैं घरौंदा बना रही हूँ। तो सलमा बोलती है, मुझे भी सिखाओ ना घरौंदा बनाना। कमला, हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ी सी मिट्टी लो, उसमें पानी डालकर मिट्टी को गूंधो, इस गूंधी हुई मिट्टी से दीवारें बनाओ। मिट्टी को लाओ और उसको पानी डालकर उसको मसलो, अच्छा से मिला दो और उससे दीवार बनाना है। कमला और सलमा दोनों सहेलियां घरौंदे बनाने लगी, दोनों मिलकर घरौंदे बनाने लगी। अब कुछ क्वेश्चन है, क्या आपने मिट्टी का घरौंदा बनाया है कभी अपने घर में? हमको तो लगता है सारे बच्चे बनाए हैं। आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजें हैं? आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी खिलौने हैं या कोई सामान है, उसके बारे में लिखना है। आपके घरों में मिट्टी के बर्तन किस किस काम में आते हैं? आपके घर में मिट्टी का बर्तन किस किस काम में आता है? ऐसे तो दही जमाने में, दूध को खौलाने में मिट्टी का बर्तन का अब के युग में मैंने देखा है अपने घरों में यूज होता है। और अगर आपके घर में किसी भी चीज का, जैसे चाय पीने में भी मिट्टी का बर्तन उपयोग में लाया जाता है, नहीं और किसी चीज में आता हो तो बताइए। कुम्हार के घर जाइए और देखिए कि घड़ा तैयार करने के लिए उसे क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। आप कुम्हार के घर जाएं और देखें कि घड़ा बनाने के लिए उसे क्या क्या, एक चाक का जरूरत पड़ेगा जिसपे की वो घड़ा बनाएगा, मिट्टी, पानी, नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। कुम्हार मिट्टी की चीजें कैसे बनाते, यह नीचे लिखा गया पर इसका क्रम सही नहीं है, क्रम को सही कीजिए। आपने जाकर देखा कि वो घड़ा कैसे बना रहा है तो आप इसमें बताएंगे कि सबसे पहले क्या करता है। मिट्टी खोद कर लाना, ठीक, मिट्टी तैयार करना, चाक पर बर्तन बनाना, उसके बाद है सूखे बर्तनों को आग में पकाना, बने बर्तन को सुखाना, तब सूखे बर्तनों को आग में पकाना, पके बर्तन में रंग लगाना और बाजार में जाना। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं, इसको तालिका में लिखे। इन कामों को करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इनके नाम भी लिखे। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, नहीं काठ का काम करने वाले, पलंग बनाने वाले को क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। बाल बनाने वाले को नाई कहते हैं, नहीं कपड़े सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। इस तरह ऊपर बने चित्र के आधार पर नीचे की तालिका को पूरा कीजिए। इसमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, क्या क्या सामान का नाम है उसको आपको इस तालिका में लिखना है। मिट्टी की बनी चीजें कौन सी है, लकड़ी की बनी चीजें कौन सी है, लोहे की बनी चीजें, आप देख करके आप बता सकते हैं। सही शब्दों को चुनकर खाली जगह भरिए। दर्जी, किसान, डॉक्टर, शिक्षक, जो खेत में अन्न उगाता है किसान, जो इलाज करता है डॉक्टर, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं शिक्षक, जो कपड़ा सिलता है दर्जी। कुछ करें, शिक्षक बच्चों को चार चार के समूह बनाकर तालाब, खेत, बगीचे, मैदान, नदी और सड़क की ओर ले जाएं। अलग अलग जगह से मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा कीजिए और
वापस कक्षा में आकर मिट्टी के इन नमूनों को देखकर मिट्टी के रंग और उनके दूसरे गुणों की पहचान कर उन्हें दी गई तालिका में भर। ये आप विद्यालय में कर सकते हैं शिक्षक के द्वारा। आप शिक्षक कराएंगे, चार्ज का समूह बनाएंगे, तालाब खेत बगीचे में ले जाएंगे, चारों जगह हर जगह की मिट्टी लाएंगे और हर जगह की मिट्टी का कलर देखेंगे और उन्हें पहचान कर कौन सी खुदरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, कौन बगीचा का है, कौन खेत का है, कौन तालाब का है, कौन नदी का है, कौन सड़क का है और मिट्टी का रंग। ठीक है, हम लोगों ने अब तक मिट्टी, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, परिवार और दोस्तों के बारे में बात की। इन सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। मैंने पहले भी शुरू में ही बताया था कि हमारे चारे हो जितनी चीजें हैं, चाहे मिट्टी हो, बर्तन हो, जल हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, परिवार हो, सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। इसके साथ अपना मजबूत संबंध बनाना चाहिए, हमें इनके साथ अपना मजबूत से मजबूत संबंध बनाना चाहिए। यह हमारे विकास के लिए आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण को अगर क्षति पहुंचती है तो हमें भी क्षति होगी, यानी पर्यावरण को हम परेशान करेंगे तो हम भी परेशान होंगे। जैसे पौधे काटना, गंदगी फैलाना यदि हम करेंगे तो हम भी, हमारा भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा और हम भी बीमार पड़ेंगे और हम भी इस दुनिया के में नहीं रह पाएंगे। मैंने वर्ग तृतीय का पर्यावरण आज सारा अध्याय मैंने पूरा कर लिया। आप लोगों का प्यार मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा। बच्चों, मैं फिर कोशिश करूंगी कि किसी और क्लास का पर्यावरण विषय लेकर आऊं, लेकिन आज ये वर्ग तृतीय का पर्यावरण का अंतिम अध्याय था और अंतिम पाठ भी था। इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैं फिर किसी और क्लास का लेकर अगले वीडियो में आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।